नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मदरसा शिक्षकों को 50 महीनों से नहीं मिला है मानदेय, भुगतान में देरी को लेकर भेदभाव का आरोप। महागठबंधन मजबूत स्थिति में, कहना है अवधेश कुमार का। बिहार के डमराव में महागठबंधन की युवा आवाज़। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 3 महीने बाद एक दिन में 40,000 से कम नए मामले, महाराष्ट्र में भी पहले से सुधार। मैं पहले सुबह 5 बजे घर से निकलता हूँ, 8 बजे तक मदरसा पहुँच जाता हूँ, कक्षाएँ ख़त्म होने पर 2 बजे घर के लिए निकलता हूँ और शाम 5 बजे तक पहुँचता हूँ। गोरखपुर के मिर्ज़ापुर से नौतनवा के मधुबनवा स्थित मदरसे तक की दूरी तय करने के लिए 90 से 95 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मदरसा आने जाने में मुझे प्रति महीना करीब 3,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 1 अप्रैल 2016 के बाद से हमें मानदेय नहीं मिला है, लिहाजा ये खर्च भी जेब से ही करना पड़ रहा है। रोज़गार के लिए बेहतर साधन के अभाव में पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है कि भविष्य में कुछ बेहतर ही होगा। ये कहना है गोरखपुर के मदरसा शिक्षक नूरुल हुदा का। कहने के लिए नूरुल के पास रोज़गार है, लेकिन केवल उन्हें व्यस्त रखने के लिए। दिन में 12 घंटे घटने के बाद भी वे अपना जीवन चलाने के लिए परिवार पर निर्भर हैं। बिना मानदेय भुगतान के नौकरी करने के कारण पूछने पर वो बताते हैं कि हम मदरसा शिक्षकों के लिए अच्छे दिनों का इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी उम्मीद है कि इस रात की सुबह ज़रूर होगी। नूरुल हुदा की तरह उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकरण योजना से जुड़े 25,000 शिक्षक हैं। देश में मौजूदा कुल 25,000 में से 19,213 मान्यता प्राप्त मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं, जिनमें 8,584 मदरसों में करीब 10 लाख बच्चों को ये शिक्षक पढ़ाते हैं। मानदेय नहीं मिलने के कारण ये शिक्षक लंबे समय से गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों से अधिक समय से लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। मदरसा आधुनिकरण शिक्षा एकता समिति के अनुसार सरकार की इस उदासीनता के कारण 50 से अधिक शिक्षकों को हृदय गति रुकना या इलाज के अभाव में मौत भी हो चुकी है। न्यूज़ क्लिक ने बिहार चुनाव, महागठबंधन और नीतीश सरकार के बारे में माप्का राज्य सचिव अवधेश कुमार से बात की। आइए देखते हैं आज। अगर महागठबंधन के हम पूरे प्रचार को देखें तो एक तरफ जहां भाजपा जेडीयू का प्रचार आपका गलवान वैली आर्टिकल 370 के ऊपर है, कोविड के बारे में कोई चर्चा नहीं है, वहीं महागठबंधन का पूरा प्रचार रोजगार के बारे में है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर आरजेडी के पुराने इतिहास को भी देखें तो ऐसे मुद्दे उनके प्रचार में नहीं रहे हैं। तो क्या वाम पार्टियों का, सीपीआईएम, लिबरेशन, इनका एक योगदान रहा है इन मुद्दों को फोरफ्रंट में लाने के लिए? देखिए, ये जो है सो बहुत ही विमर्श के बाद गठबंधन में वाम पार्टियां शामिल हुई और आरजेडी ने भी बड़ा गर्मजोशी के साथ वेलकम किया है। पहली बात तो मैंने कहा, जो सैद्धांतिक पक्ष है, वैचारिक पक्ष है, वो है कि बीजेपी को यहाँ से सत्ता से हटाना, वो कैप्चर करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। और ये बात अच्छी बात हुई है कि सीपीएम, सीपीआई और लिबरेशन, हम लोगों से उन्होंने विमर्श किया है और एक जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जैसे एक परिपत्र उन्होंने जनता के सामने रखा और उसमें जो जन मुद्दे हैं रोजगार के सवाल को, तो महागठबंधन के नेता हैं, स्वाभाविक नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने हम सबों के सामने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। और उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो रिक्त पद है उन पदों को बढ़ेंगे और फिर और भी रोजगार के सृजन करेंगे। ये एक पॉजिटिव कदम उन्होंने उठाया है और हम लोगों का भरोसा है महागठबंधन की सरकार बनेगी, वाम दल के भी जो लोग विधायक जीत के जाएंगे तो वहाँ भी सरकार को इस बात के लिए वो दबाव बनाएंगे। और बाहर में तो हम हमेशा लड़ते ही रहे हैं, तो हमको लगता है कि महागठबंधन का जो ये ऐलान हुआ है और महागठबंधन ने रोजगार के सवाल को जो आगे बढ़ाया है तो युवाओं का और बिहार की जनता का इसे जबरदस्त जो है सो समर्थन मिल रहा है और ये इससे भाजपा घबरा गई है, इससे नीतीश जी घबरा गए हैं। तो अगर नीतीश सरकार के पिछले 15 साल को देखें और अगर आपसे कहा जाए कि उस 15 साल को आप डिस्क्राइब कीजिए तो वो क्या था? क्योंकि नीतीश का जो पूरा कैंपेन है वो इस बारे में है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में है तो बिहार में बहार है। देखिए, नीतीश कुमार तो इस बार उनका बहार का जो बात था ना वो खत्म हो गया है, वो हवा नहीं चल रही है, हवा तो ये जो है महागठबंधन के पक्ष में है। क्योंकि नीतीश जी ने कहा था, हम 3 चीज उन्होंने कहा
जो हम क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म से हम किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने कहा था। उन्होंने तो कहा था कानून अपना राज करेगा, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है 15 साल के उनके कार्यकाल को। अभी जहां तक क्राइम का बात है तो क्राइम तो बहुत इनका ग्राफ बढ़ गया है। आज महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। आपने देखा होगा लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना, सामूहिक बलात्कार की घटना की केसेस बहुत बढ़ गई है। और अभी कानून क्या है यहाँ पे, अभी अररिया में पिछले महीनों रेप की घटना घटी और पीड़िता को ही जेल में डाल दिया गया, और जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। और उतना ही नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों में जो है सो रेप की घटना, मुजफ्फरपुर जो सुरक्षा गृह में वहां पे शेल्टर होम में जो घटना घटी, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और उसके जो दोषी थे, जिस मिनिस्टर पे ये चार्ज आया, नीतीश जी ने उसे इस्तीफा लिया, उसको इस्तीफा करना पड़ा, और अभी चुनाव में उन्होंने उनको फिर टिकट दे दिया। तो क्या बताता है ये बेटी बचाओ की जो बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आज इसकी खुद ये धज्जियां उड़ रही है इस राज्य के अंदर। और राजनीतिक संरक्षण भाजपा कई राज्यों में उन्होंने दिया है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, पूरे देश में जहां भी हुआ घटना उसी तरह से सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगे इस बीच में जो है सो बिहार के अंदर जो है सो काफी जो है सो बढ़ी है, और उसकी घटना भी काफी बढ़ी है। तो अगर आप देखिए कानून व्यवस्था के नाम पर जो है सो जो नीतीश जी कह रहे थे उसमें बात कुछ ज्यादा ही गिरावट आई है। हम एक आंकड़ा देते हैं, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट है 2017 में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 22.5% बढ़ोतरी हुई, बिहार सबसे पहले स्थान पर है। उसके बाद उसी आंकड़े में आया 163 सांप्रदायिक हिंसा में 214 लोग शिकार हुए, तो सांप्रदायिक हिंसा का अनुपात सबसे ज्यादा है। ये किसकी देन है? नीतीश जी पूरी तरह से वो सरेंडर कर गए, आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया, और इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ने का इन्होंने मौका दे दिया है। आज रोज लूट हो रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण की घटनाएं बढ़ गई है, दहेज के चलते हत्याएं हो रही है। तो अपराध का ग्राफ बिहार के अंदर बहुत बढ़ गया और अपराधी आज खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरा चीज है जो कि ये इन्होंने कहा था करप्शन, तो करप्शन का जवाब तो ये दें, 15 साल में सृजन घोटाला आप सुने होंगे, इतना बड़ा घोटाला हुआ, 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, और बीच के दौर में इनके कार्यकाल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जल नल योजना घोटाला हुआ है, शौचालय घोटाला हुआ है, और मनरेगा में भी घोटाला ही घोटाला है। अगर इसकी जांच हो जाए तो और इनका कलई खुल जाएगा, चेहरे पर के सामने जो पर्दा है वो पर्दा हट जाएगा। तो भ्रष्टाचार तो आज जड़ तक, आप अगर बिहार में कहीं चले जाइए ब्लॉक में, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है आपको, आय प्रमाण पत्र बनाना है, जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, बगैर रिश्वत दिए हुए बगैर घूस दिए हुए एक भी काम नहीं हो सकता है। और ये अभी जो कोरोना काल में जो सेंटर इन्होंने बनाया बाहर से लोग आने को उसको रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर, उसमें भारी लूट हुई है, अव्यवस्था हद पार कर गया। वो बाढ़ वगैरह के दिनों में जी कहते हैं राहत राहत नहीं मिलता, लेकिन वो सब पैसे की लूट होती है। तो भ्रष्टाचार तो इनके राज में बढ़ गया है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कुछ बोल नहीं सकते, बल्कि इन्होंने तो घुटना टेक दिया। उसी तरह से कम्युनलिज्म का सवाल है, सांप्रदायिकता का जो सवाल है, ये तो आरएसएस के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया। आज नीतीश जी का राज नहीं चल रहा बिहार के अंदर, बल्कि राज चल रहा है भाजपा का, मतलब आरएसएस का। और आरएसएस यही चाहती है जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने कब्जा कर लिया है उसी तरह से बिहार में कब्जा कर लेना। तो इसीलिए पूरे तौर पर ये जो है सो इस मामले में इनकी कलई खुल गई है, और इसलिए जनता इनके खिलाफ है, जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। बिहार ग्राउंड रिपोर्ट के इस अंक में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने डमराव विधानसभा क्षेत्र की जनता से जानने की कोशिश की कि वो चुनाव में क्या चाहते हैं। उन्हें क्षेत्र के महागठबंधन के युवा प्रत्याशी से बात की, आइए देखते हैं। जी, ये बताएं कि बहुत कम उम्र है आपकी विधानसभा चुनाव के लिए, लोग बोल रहे हैं जो दूसरे तरफ के विपक्षी हैं कि उनका बहुत अनुभव है, कैसे आप देखते हैं इस बात को? नहीं नहीं, अनुभव उनका क्या है, उनका अनुभव तो यही है कि इतने दिन से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन आज तक विधानसभा में डुमराव के किसी सवाल को नहीं उठाया, डुमराव के किसी भी सवाल को उन्होंने संबोधित नहीं किया, एड्रेस नहीं किया।
उनका जो है यही अनुभव है। हमारा अनुभव 15 सालों का है। हम विश्वविद्यालय से ही बीए पटवन में जब थे उसी समय से हम छात्र युवाओं के सवालों पर लड़ रहे हैं, छात्र आंदोलन में हम हैं। तो हमारा अनुभव आंदोलनों का, संघर्षों का, लड़ाइयों का और जनता के मुद्दों को समझने का अनुभव है और मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये बताएं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं और ख़ास तौर से क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर मुद्दा है कि पलटू राम नीतीश कुमार को हराना है और तेजस्वी सरकार को बनाना है। महागठबंधन की जीत है और यहाँ दुराम विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी बहुत आगे चल रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। चुनाव हो रहा है, इसमें क्या सीन दिख रहा है? उनके पक्ष में क्या क्या बातें हैं? वही सब विकास का बात कर रही हूँ। आपको क्या क्या फायदा हुआ 15 साल में? बिजली सब। अभी तो जो दबंग जातियाँ हैं, ठाकुर हैं, बाकी लोग हैं, वो तो महागठबंधन को वोट नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो जितने पिछड़ी अल्पसंख्यक हैं वो सब जो है हम लोग के साथ हैं, सब साथ हैं, सब तेजस्वी के साथ हैं। अब पलटू राम को देखना नहीं चाहता है क्योंकि कभी दल बदल के इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, जिधर चप्पल मिलेगा उधर जाते हैं और घोटाला पर घोटाला घोटाला कर रहे हैं और कहते हैं कि बहुत ईमानदार है। तो जब इनका सत्ता हटेगा तब ना पता चलेगा कितना बड़ा ईमानदार है इनका पता। भाजपा का क्या होगा? भाजपा का जहाँ तक सवाल है कि भाजपा ने चिराग पासवान के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, इससे लोगों में भ्रम है कि नीतीश को हटाने के लिए ही उनके पीछे उनको खड़ा किया है और नीतीश को हटाना वो भी चाहता है। मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि चिराग पासवान को आगे करके नीतीश का सफाया भाजपा करना चाहते हैं। नीतीश का सफाया भाजपा करना चाहती है। तो चिराग का कितना मिलेगा? चिराग का 20-25 सीट मिलेगा। 20-25 सीट तो भी काफ़ी है। हाँ काफ़ी है। आप कितना कमा लेते हैं? 4 साल। बिहार में जो चुनाव है इसका एजेंडा क्या आपको लगता है कि क्या आप लोग एक एजेंडा सेट कर पाए हैं महागठबंधन की तरफ से? खास तौर से अभी मोदी जी की और रैलियां होनी हैं और लोगों को भरोसा है कि उसके बाद महागठबंधन के जो पक्ष में माहौल है वो थोड़ा सा बदल सकता है। देखिए मोदी जी के रैलियों में वो बात नहीं रही जो 2014 के पहले हुआ करती थी। अभी हमारे बगल में ही सासाराम में उनकी रैली हुई है कल ही या परसों शायद, लेकिन कोई चर्चा इस पूरे इलाके में मोदी जी की रैली की नहीं है, कोई उनका नाम नहीं ले रहा है। और अब तो जब मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो लोग देखने से ज़्यादा डिसलाइक करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो बात नहीं रहा। दूसरी बात एजेंडा सेट करने का है तो हाँ एक बात ज़रूर है कि एजेंडा सेट हुआ है, वो एजेंडा रोजगार का एजेंडा, बड़ा एजेंडा। हम लोग हमारे कैंपेन में आप देखिएगा तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया है बल्कि रोजगार के लिए आंदोलन हो गया है। जब भी हम कैंपेन करते हैं तो नौजवान सामने हो जाते हैं, नौजवान रोजगार के सवाल पर नारे लगाते हैं, तो ये चुनाव आंदोलन में तब्दील हो गया है। बिहार के ये चुनाव इसलिए भी खास है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार बार बार लालू यादव के काल का हवा खड़ा कर रहे हैं और इस आधार पर जो दबंग जातियां हैं उनका ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश हो रही है। यह बताया जा रहा है कि अगर वापस बहुजन की सत्ता वापस आ जाएगी, अगर ओबीसी लीडरशिप वापस आ जाएगी तो उनके हाथ से सिर्फ नेतृत्व ही नहीं बाकी और तमाम जो सुख सुविधाएं उन्हें मिली हैं पिछले 15 सालों में वो चली जाएंगी। और इसमें महादलित का कार्ड जो नीतीश अभी तक खेलते रहे हैं वह बहुत हाशिए पे चला गया है। और इसी के साथ दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि चिराग पासवान का कार्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग समझ रहे हैं कि चिराग पासवान के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा का है, मोदी का है, उसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं। बिहार की धरती में इस समय इतने गठबंधन अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, उनके जो समीकरण हैं, जातिगत समीकरण है, बाकी समीकरण है, वह इस समय चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 27 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज 3 महीने बाद 40,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36,470 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 488 मरीजों की मौत हो गई है।
महाराष्ट्र में भी 4 महीने बाद 4000 से कम नए मामले और 5 महीने बाद प्रतिदिन मौत का आंकड़ा 90 से नीचे आया है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 63,842 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में 27,860 मामले कम हुए हैं। देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 79,46,429 हो गई है, जिनमें से अब तक 119,502 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.38% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 90.62% हो गया है, यानी अब तक 72,01,070 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामले घटकर 6,25,857 हो गए हैं। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10,44,20,894 सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जिनमें से 9,58,116 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हमारी हिंदी वेबसाइट पर भी एक नज़र डालें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।